हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे कि कक्षा सप्तम संस्कृत का पेपर एनसीईआरटी में कैसा आया है। ये देखिए, आपको पहले भी दिया गया है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा पदंत प्रश्नानम उत्तराणि लिखत। यहाँ पे एक पद उत्तर दिए हुए हैं और यहाँ से आपको छांट के लिखना है। ये हम लोगों का 5 नंबर का है। आगे चलते हैं और देखिए, ये देखिए, उसके बाद आपको पत्र दिया गया है जो आपको अपने कक्षा प्रवेश में के बारे में करना है। नीचे आइए तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसके बारे में आपको बताना है कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, मैंने ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। चलिए आगे चलते हैं। ये बस वाले चित्र का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर इसके ये आंसर लिखे हुए हैं। आगे आइए, यहाँ पे देखिए, पहले प्रश्न 5 में आपको संधि विच्छेद करना है और प्रश्न 6 में आपको समास विग्रम करना है। फिर 7वें में आपको दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। उसके बाद नीचे आइए, विलोम शब्द हैं, फिर उपसर्ग संयोजन विज्ञेय चालिखति, आपको इसमें अनुभूति का पर्यायवाची करना है, जैसे अनु प्लस भूति। फिर यहाँ पे नीचे गिनतियाँ दी हुई हैं, आपको मिलान करना है। देखिए, मैंने मिलान कर रखा है, आप देख सकते हैं। अगली तरफ आइए तो यहाँ पे देखिए, आपको शब्द रूप लिखना है, जैसे मुनि मुनिभ्याम मुनि भी। नीचे कर्ता कारक षष्ठी विभक्ति ये सब करना है। फिर इसके बाद देखिए, फिर यहाँ पे भाई गद्यांश दिया हुआ है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन से दिया गया, ये भी 5 नंबर का है, आपको करना है। यहाँ पे एक पोएम दी हुई है, इसके क्वेश्चन से यहाँ पे नेक्स्ट पे जाए तो आपको प्रश्न उत्तराणी, यहाँ पे क्वेश्चंस का बनाना, कर्म करा सेतु निर्माण करती, का सेतु निर्माण करती, पुष्पेशु चित्रपन करती, कुत्र सॉरी कीचु चित्रपन कर देती। ऐसे ही आपको सारे करने हैं। यहाँ पे आपको टिक लगाना है, ये आपका मिलान है और ये आपका है। अब ध्यान से एक बार देख लीजिए, आपको और पेपर देखना है तो हमारी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।